यदिच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाद परम पदम तदादोरिहिण गुगाजेन्द्र कुरु गोविंदो संकीर्तनम। यदिच्छसि परम परम ज्ञानम ज्ञानाद परम पदम तदादरेण राजेन्द्र कुरु गोविंद कीर्तनम। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगतगुरु भोपाल जी ने बताएं, निष्कपट गुरु सेवा का चित्त वित्त की रूप कैसे होनी चाहिए। निष्कपट गुरु सेवा का चित्त वित्त कैसी होनी चाहिए। निष्कपट शिष्य गुरुदेवतात्मा अवश्य। निष्कपट शिष्य निश्चित रूप से गुरुदेवतात्मा। निष्कपट शिष्य गुरुदेव को भगवान का साथ अभिन्न मानता है, जानता है, अनुभव करता है और गुरुपाद पद्मा हमारा नित्य प्रभु, हमारा नित्य प्रभु है, हम गुरु का नित्य सेवक है। ये है शिष्यों का अभिमान, शिष्यों का वास्तव अभिमान। वास्तव अभिमान मतलब जिसमें अभिमान पक्का अभिमान, अप्राकृत अभिमान। बहुत दिन पहले का बात है, श्री गौड़ीय मठ में हमारा गुरुवर्गो प्रभुपाद का अनुगत्य में सेवा करते थे, बहुत पहले का बात। और एक दफे गौड़ीय जो आर्टिकल निकालता है गौड़ीय पत्रिका, उसमें प्रभुपाद का आदेश के द्वारा बोले राधा रमन को एक आर्टिकल लिखने बोलो। राधा रमन कौन है? राधा रमन ब्रह्मचारी श्री शिल भक्ति कुंज संत गोस्वामी महाराज, एक आर्टिकल लिखते बोलो, लिखने बोलो। देखिए कैसे लिखे, गुरु की पा तो है ही है, जिसका पास गुरु की पा है तो कोई तो आर्टिकल लिखे हैं। आर्टिकल का नाम है गुरु क्या है, जीवे स्वरूप है गुरुर नित्य दास। गुरु स्वरूप जीवे स्वरूप है गुरुर नित्य दास, ऐसा लिखा। वो आर्टिकल आए और सारे एडिटर आदि सब पढ़ के हैरान हो गया, क्या बात है, चेंज कर दिया कैसे। पोपात का पास शिकायत गया, क्या राधा रमन ब्रह्मचारी का कितना क्षमता देखिए, वो तो चैतन्य चरितमृतों की जी जो बात है चेंज कर दिया। कैसा चेंज किया? बड़े जीवे स्वरूप है गुरु नित्य दास। पोपादी आर्टिकल को देखा, देखे मुस्कुराया, बोले तो लिखा तो ठीक ही है, वास्तव बात ये है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये तो ठीक, लेकिन कृष्णों का साथ तो बद्ध जीव का कोई कनेक्शन होना मुश्किल है, तो नित्य दास गुरु का ही है, गुरु का नित्य दास होने के नाते कृष्ण का नित्य दास बन जाता, ये विचार है। ताते करे गुरु सेवन, है ना, ऐसा श्लोक है, सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोक है इसमें चैतन्य चरितामृत में। तो ऐसा है कि गुरु सेवा वास्तव है, गुरुवानुगत्व, गुरु चिंता, गुरुवानुगत्व, इसके द्वारा ही दिव्य ज्ञान को प्राप्ति करना संभव है। कृष्ण प्रेष्ठ गुरुपाद पद्म ईश्वर वस्तु, ईश्वर से अभिन्न है, ईश्वर से अलग चिंता करने का कोई अवसर नहीं है। बद्ध जीव का सेवा गुरुदेव कैसे ग्रहण करे? अगर गुरुदेव भगवानी है तो भगवान तक तो मेरा पुकार पहुंचता नहीं, मेरा सेवा भी जाता नहीं, कि गुरु भगवान अपराकृत भूमिका, मेरा जो प्लेटफॉर्म है। इस अवस्था में गुरु सेवा कैसे संभव है?
ये तो ठीक ही है, ये प्रश्न ठीक ही है। बद्ध अवस्था में गुरु सेवा भी संभव नहीं, गुरु अप्राकृत वस्तु है, फिर भी भगवान का ये व्यवस्था रखा है, भगवान ने ये व्यवस्था खोद रखा है। गुरु अप्राकृत जगत का होने से भी भगवान का प्रतिनिधि भगवत अभिन्न वस्तु, फिर भी ये जगत में बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए ऐसा बेस बना के हमारे सामने आए सेवा का सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए आए हैं, नहीं तो गुरु सेवा भी बद्ध जीव के लिए संभव नहीं। ये तो इच्छा करके लेता है, चलो गलती करे फिर हो जाए, फिर गलती करे, ऐसा करके गुरुवानुगत्य में भजन करते करते, भजन करने का रास्ते परफेक्शन आ जाए गुरु सेवा में, किंतु संशोधन को हमको संशोधन करने वाला तो गुरु जी भी हैं। ऐसा करते करते जीव बद्ध जीव धीरे धीरे गुरु सेवा के माध्यम अप्राकृत भूमिका में उतर जाते हैं। ऐसा करके अप्राकृत जगत का जो सेवा का पूरा, गुरुजी को पता है कि हम अयोग्य हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तो हमारे करुणा सारो ये करुणा वितरण करने के लिए आए, ये ठीक है। कृष्ण गुरु है, यहाँ भगवत गीता जी में भगवान गुरु का काम कर रहा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और अर्जुन भी नित्य पार्षद है, ये सारे गीता का प्रवचन चल रहा है ठाकुर जी की कृपा से। और यहां तक आया था विचार करते करते, जो एवं बहुधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म यानो विधि तानो सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। विमोक्षसे मतलब संपूर्ण रूपी मुक्ति मिलना, विमोक्षसे का वास्तव अर्थ है भक्ति प्राप्त करने ला, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूप स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति, वास्तव यही व्याख्या है। ब्रह्मणो मुखे माने ब्रह्मा का मुख में बहुविधा यज्ञ, बहु प्रकार की यज्ञों का व्यवस्था, बहुविध यज्ञों का व्यवस्था वितता विस्तृत करके रखा है ठाकुर जी। वितता माने विहित है, तानो सर्वानो वे सब यज्ञों का जितना सारे पूरा व्यवस्था, कर्म जानो विधि, ये जो व्यवस्था है इसमें ये सब जानने का बाद, ये सब जानने का बाद सर्वानो कर्मजानो कर्मजानितो विधि जानने का बाद विशेष मुक्ति विमोक्षस्य, मोक्षस्य विमोक्षस्य, विशेष मुक्ति तो एकमात्र भक्ति जोड़ के और कोई होता ही नहीं। जो भी है बहुविध यज्ञों, बहु यज्ञों का तरह तरह का व्यवस्था भगवान ब्रह्मा का मुख से विस्तार की, और ये सब जो यज्ञ है ये सकल यज्ञों में कर्मजो, ये सब यज्ञों को कर्मजो बोला गया, कर्मजो बोला गया, अर्थात कायिक वाचिक मानसिक तीन रूप से, कायिक वाचिक मानसिक सब कर्म जो है, और हमारा विधान जो है गौड़ीय संप्रदाय में नाम यज्ञ सबसे बढ़ के हैं, सबसे ऊपर है, इसका ऊपर कोई यज्ञ है नहीं, सबसे बड़ा यज्ञ है ये नाम यज्ञ का, ऊपर कोई यज्ञ है नहीं। शिवास पंडित का जो अंगिना है शिवास अंगन, वहाँ श्री 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 चैतन्य महाप्रभुर नित्य नाम संकीर्तन यज्ञ का
यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके दिखाए हैं, यह है तो नित्य, ये यज्ञ तो नित्य चल रहे हैं, ऐसे ही भगवान दिखाए हैं। संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किए हैं और ये यज्ञाग्नि में, संकीर्तन यज्ञाग्नि में हमारा गौड़ीय मठ का एक एक भक्तों अपना जीवन जिंदगी को देने के लिए, उत्सर्ग करने के लिए तैयार बैठा है, नहीं तो गौड़ीय मठ का कोई नहीं है। गौड़ीय मठ का यही काम है, अप्राकृत जगत का जो संकीर्तन यज्ञ चलते रहे, संकीर्तन कभी बूझने नहीं देना, संकीर्तन यज्ञाग्नि। और ये संकीर्तन युगों में हमारा भक्तिमय ठाकुर भोपाल जी गुरुवर्ग, सारे गुरुवर्ग इस संकीर्तन युगाग्नि में अपना आत्माहुति दिया है। आत्माहुति देने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, ये संकीर्तन यज्ञ एकमात्र भगवान को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि कलौ संकीर्त, जो पहले हम वंदना में कहते हैं संकीर्तनैक पितरौ, पितरौ बोला ये द्विवचन है, कमलायताक्षौ, ये जो द्विवचन बताया गया इसमें भाव ये है कि गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद अभिन्न है। जब भी गौरांग आविर्भाव हम देखे, जो हमारे सची माता के इधर से और नित्यानंद प्रभु का अभिग्रह उधर है, एक ही तत्व एक ही है और दोनों का मकसद ही एक ही है। गौर और नित्यानंद में कोई भेद नहीं है। गौरांग महाप्रभु सप्रकाश स्वयं रूप भगवान, सप्रकाश स्वयं रूप भगवान, और बल्लाव जी महाराज भी सप्रकाश स्वयं रूप, व फिर भी स्वयं रूप होते हुए भी ये स्वयं रूप भगवान गौरांग महाप्रभु का प्रथम प्रकाश विग्रह, गौरांग नित्यानंद में कोई भेद है नहीं। तो संकीर्तनई को पितरो ये बोलने का मतलब है, जे गौरांग और नित्यानंद प्रभु दोनों का मकसद यही एक ही है। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कलिकाल का जो पतित जनता है, तमाम बद्ध जीवों को उद्धार करने का यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता बचा है संकीर्तन के द्वारा, क्योंकि कलिकाल में और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, कैसे किया जाए। और ये भागवत में ऐसा विचार आता है, ये एकमात्र संकीर्तन के द्वारा ही कलिकाल का जो भगवान है हमारा गौरांग महाप्रभु को संतुष्ट करने का एक ही व्यवस्था है, संकीर्तन के द्वारा ही संतुष्ट किया जाए, और कोई रास्ता है नहीं। प्रायः संकीर्तन ही जयंती ही सुमेधसा, संकीर्तन के द्वारा ही सुमेधसा, वास्तव जो साधु है, वास्तव जो साधु गुरु है वैष्णव, संकीर्तन के द्वारा ही इसका आराधना करते रहते भगवान का, क्योंकि संकीर्तन के द्वारा ही भगवान का सर्वेंद्रिय संतुष्टि विधान होता है। संकीर्तन पिता का संतुष्टि विधान एकमात्र संकीर्तन के द्वारा ही होता है। बोले संकीर्तन के द्वारा तो कान का संतुष्टि विधान होना लिखा है, संकीर्तन के द्वारा गौरांग महाप्रभु का सर्वेंद्रिय इंद्रिय तृप्ति होते रहते हैं। भगवान का जो अप्राकृत शोभनंदीय ये तो है ही है, लेकिन तमाम भगवान का जो इंद्रियां हैं, अप्राकृत इंद्रियां, एकमात्र संकीर्तन योग्य के द्वारा ही भगवान को संतुष्ट किया जाए। एकमात्र संकीर्तन छोड़ के दूसरा कुछ रास्ता है नहीं, इसीलिए हमारा संकीर्तन योग्य सबसे ऊपर है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। और ये जो ब्राह्मण, ये ब्रह्मा का श्री मुखारविंद से, मुखारविंद में भगवान बहु किस्म का योगों का यज्ञों का व्यवस्था रखा है,
और ये सब कर्म जो है अर्थात कायिक वाचिक मानसिक, कायिक वाचिक मानसिक, और ये जो यज्ञ है ऐसा यज्ञ करते करते ये लोग मुक्ति का ओर चलेंगे, ऐसा कोई संदेह है नहीं। ज्योतिष्टम आदि श्रौत यज्ञ आप जानते हैं, ज्योतिष्टम आदि श्रौत यज्ञ अग्नि में हवन किया जाता है, शास्त्र में ये विधान है लिखा हुआ है, अग्नि देवता में कनिष्ठ है, अग्नि तमाम देवता का जो हिस्सा है खाने का यज्ञ भाग, अग्नि देवता सारे देवता का पास ले जाते हैं, इसीलिए अग्नि में होम करना चाहिए, इंद्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ऐसा करके जो होम करते रहते हैं, ये होम के द्वारा देवता का जो यज्ञ का जो भाग है ये भाग अग्नि देवता देवताओं के पास ले आते हैं, वेद में ये विधान है, इसीलिए अग्नि में आहुति देने का विधान है, अग्नि देवताओं देवताओं का मुख है, अग्नि का काम है सारे अपने अपना देवता का जितना सारे हिस्सा है सब पहुंचा देना, किंतु जोग यज्ञ जो है तप यज्ञ ये यज्ञ अग्नि में होता नहीं, पहले भी बताया था कैसे इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला विषय को इंद्रियों में ना ये सब विचार करके दिखाया कल, किंतु इधर बात है यज्ञ सिर्फ अग्नि में देने से हवन करने से यज्ञ ऐसा नहीं, जोग यज्ञ जो जोग के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं और तप यज्ञ आदि लाक्षणिक लाक्षणिक यज्ञ ये अग्नि में होता नहीं और देवता का मुख में भी होता नहीं, या तो साक्षात ब्रह्मा ब्रह्मों का मुख में ही होता है, ब्रह्मों में अर्पित हो जाता है, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म कोई भी यज्ञ है यज्ञ मात्र ब्रह्मों के उद्देश्य में उत्सर्ग होना होनी चाहिए, ऐसे तो कभी कभी कोई आदमी बोलता है सिद्धांत तो देता है कि ब्रह्म अर्थात वेद, कोई कोई आदमी ऐसा विचार करता है, लेकिन सर्वव्यापी ब्रह्मो नित्य सर्वयोग्य प्रतिष्ठित हो, तमाम ये यज्ञ चक्र चल रहा है भगवान का सृष्टि चक्र चल रहा है, सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, सो इधर विचार बताया गया जो एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानो विद्धि तानो सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्षसे, बहुविध यज्ञो बहु किस्म का यज्ञों का बारे में ब्रह्मा का मुखारविंद से विस्तृत किया है भगवान, ऐसा सब यज्ञो सब कर्म जो है कायिक वाचसिक वा मानसिक त्रिविध कर्म से समुद्भूत है, और ये सब जो तत्व समझने से मुक्ति लाभ अवश्य होता है, कर्म जानो विद्यतानो सर्वानेव ज्ञाता विमोक्षसे, विशेष मुक्ति बोला गया, मुक्ति नहीं मतलब विशेष मुक्ति के बारे में बताया गया, काल ये भी चर्चा हुआ जिस तमाम योग्यों से ज्ञान योग्य सबसे बढ़कर है, हम तद्विधि पुनिपादन परिवेश ऐसा है तो इस तो नेक्स्ट श्लोक में आए, और इधर 33 नंबर में काल भी बताया था जे श्रेयानु द्रव्य मयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थो ज्ञाने परिसमापति, तमाम यज्ञ जो है द्रव्यमय यज्ञ ये सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ भी करो
वो आपका एक्सपीरियंस के रूप से, आपका ज्ञान के रूप से आपका अंदर में रह जाता है, और श्रेयानुद्रव्यमयाद योग्याज ज्ञान योग्य परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने समी परिसमापते। वास्तव विचार किया जाए तो सारे योग्य जो है हमारा सन्मुख है, सारे द्रव्योग्य है, कैसा भी योग्य है सारे द्रव्योग्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब योग्य कर्म जो, और कैसे उसको अनुभव किया जाए, क्योंकि सब योग्य कर्म जो ये जानने से मुक्ति होगा। कैसे, ये क्या कारण है? बोले कर्मो ब्रह्मद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षर समद्भवम, याद है ना? तो कर्म जो है ब्रह्म शक्ति कहाँ से आया? ऐसा तो हम दिखा हम कर्म कर रहे हैं। सूक्ष्म विचार किया जाए तमाम दुनिया जो कर्म में लगा हुआ है, प्रकृति क्रियामानानी, सब आदमी सोचता है कर्ता अहम इति मन्नति। सूक्ष्म रूप से दिखा जाए भगवान ब्रह्म भगवानी तमाम अन्याय व्यतिरिक रूप से तमाम कर्म को चला रहे विश्व संसार को। ये जो जगत चक्र है तमाम ऐसे ही चल रहा है, ठाकुर जी का कैसा लीला है। सो सारे युग जो है विश्वकर्मों का अलग अलग रूप, विश्वमय विराट कर्म युग चल रहा है, भगवान अपने को व्याप्त किया है ऐसा रूप से। शायद आपका याद है सृष्टि का बारे में जब हम भागवत विचार कर रहे थे बहुत दिन पहले, उसमें देखा गया कि तमाम सृष्टि होने का बावजूद, तमाम सृष्टि का व्यवस्था हुआ और महातत्व से तारे सारे सब जो व्यक्त होता है, सारे तत्व व्यक्त हो गया, लेकिन फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है। सारे समान हैं लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है। देवता लोग सब मिलकर इकट्ठा होकर ब्रह्म भगवान का उपासना की और भगवान को विनती की, ठाकुर जी हमारा सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है। भगवान बताए क्यों नहीं बढ़ रहा है? बोला हम जाने नहीं, सारी व्यवस्था है, रॉ मटेरियल सारे हैं, लेकिन इफेक्टिव सृष्टि हो नहीं पाते। ऐसा भगवान को शिकायत की। भगवान तो जानते ही हैं, मजा देख रहे हैं, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान बोले ठीक है चलो करके, भगवान तमाम वस्तुओं में अनुप्रविष्ट हो गया। ब्रह्म वस्तु है ना, तमाम वस्तुओं में अनुप्रविष्ट हो गया। महत्त्व से जितना सारे तत्व निकल आया तमाम मौजूद है। ये सृष्टि का ही मसला है, सृष्टि का ही इंग्रेडिएंट है, मसला है, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है। देवता लोग जब हाथ उठा दिया, ठाकुर जी हमसे होगा नहीं, कैसे नहीं होगा सब है, और नहीं हो रहा ही नहीं। इसके बाद ठाकुर जी हाँ मुस्कुराते हुए तमाम वस्तुओं में घुस गया। ये विचार होनी चाहिए, तमाम वस्तुओं में ठाकुर जी घुस गया। घुसने के बाद अब देवता लोग अभी एक्टिव हो गया, बोले हाँ अभी ठीक है, अभी सृष्टि हो रहा है, धकाधक सब है ना, सब पंच तन्मात्र आदि सब कुछ है, सब आइटम से अभी धकाधक सृष्टि हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है ब्रह्म वस्तु तमाम दुनिया में एक एक हिस्से में, अनंत ब्रह्मांड के एक एक हिस्से में, कण कण में, एक एक धूलिकण में सर्वत्र ब्रह्म वस्तु है। जो कुछ भी हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सारे ठाकुर जी का ही खेल है। और इसमें एक सुंदर विचार आता है जो सृष्टि क्यों नहीं हो रहा है, सारे मटेरियल है सब है, सारे मटेरियल है सब है, देवता लोग क्यों बोला सृष्टि नहीं हो रहा है, क्या कमी था? इसके लिए एक उदाहरण काफी है। जैसे एक नया फैक्ट्री बना, बहुत सुंदर फैक्ट्री, रॉ मटेरियल भी सारे रेडी है और सारे क्या प्रोडक्ट निकलना है, प्रोडक्ट जो वस्तु फैक्ट्री में प्रोडक्शन का वस्तु
वो भी एकदम इतना प्रोडक्शन होनी चाहिए, टारगेट है, फैक्ट्री मैनेजर है, फोरमैन है, जॉब मैनेजर है, सारे सब कुछ है, रेडी है, तमाम रॉ मटेरियल है, मेसिंग भी धकाधक चलने वाला है, सब कुछ है, लेबर लोग खड़ा है, सब है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। मैनेजर का पास खबर हुई, क्या बात है? बोले हम जाना नहीं, मेसिंग चल नहीं रहा। मेसिंग क्यों नहीं चल रहा है? बोले कारण बत्ती नहीं है, मतलब कारण नहीं है, कारण नहीं है। तो जब मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर ने करंट की व्यवस्था की तो करंट तो देखा नहीं जाता, करंट क्या लंबा है कि खाटो है कि गोड़ा है कि पतला है, है काला है, देखा नहीं जाता करंट को, बिजली को देखा नहीं जाता है। कभी कभी चमकता है, ऐसे जब जाता है वायर से तो दिखाई नहीं पड़ता, कभी कभी बिजली चमकता है तो दिखाई पड़ता है, लाइटनिंग आलोक लाइट का रूप से दिखाई, लेकिन वास्तव तो वो तो लाइट नहीं है। तो ये जो बात है, जब करंट सारे रेडी है, मौजूद एकदम परफेक्ट, जब भी करंट आया फटाफट एकदम मेसिंग चलना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन शुरू, लेबर लोग काम में लगा है, रॉ मटेरियल निकल रहा है, पैकिंग होकर निकल रहा सारे। तो ये उदाहरण हमने दिया है, इसका मतलब क्या है, ये तमाम चीज होते हुए भी अगर प्राण नहीं है अतः इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कुछ नहीं है, बिजली नहीं है तो फैक्ट्री का क्या है, बिजली नहीं है तो मतलब फैक्ट्री का प्राण ही नहीं है। ऐसा ही है, ठाकुर जी सब मटेरियल वस्तु दे दिए हैं, जब ठाकुर जी तमाम वस्तुओं में अनुप्रविष्ट हो गया, ब्रह्म वस्तु अनुप्रविष्ट होके पावर दिया सब कोई को, तो अब ठीक हुआ, बस चलना शुरू कर दी। ऐसा करके देखा जाए तो तमाम वस्तु जो है ब्रह्म वस्तु ही है, और श्रेयानुद ब्रह्म यज्ञात ज्ञान योग्य परम तप क्यों सर्वान कर्मा खीलम पार्थो ज्ञाने परिसमापति। तमाम जो कर्म है ज्ञान में ही अंतिम उसका, अगर क्योंकि कर्म जो करते 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 ज्ञान पक्का होता है, यही तो टारगेट है ना। टारगेट क्या है? कर्मार्पण कर्मों का, कर्मों जो है जो शुद्ध तरीका से कर्मों का कौशल बताया गया, निरासक्त होकर ये कर्म करने का मकसद ये है कि करते करते इसका अंदर में ज्ञान भाव पैदा हो जाता है। इसीलिए और एक बात तो पक्का है, कोई भी द्रव्य सब तारे युग तो भंडारा हो रहा है, ये हो रहा है, वो सारे क्या है द्रव्य युग ही तो है, दान दक्षिणा चल रहा है, सारे द्रव्यमय युग चल रहा है। अगर ये द्रव्यमय युग चल रहा है, ये द्रव्यमय युग चलने का बात, इसका आउटकम क्या है? हमने पार्टिसिपेट किया, हमने जाके वो उत्सव में हिस्सा लिया, प्रसाद पाया, हरिकथा सुना, प्रसाद सब कुछ किया, लेकिन पूरा भंडारा आदि उत्सव हो जाने का बाद अगर कोई बुद्धिमान है तो भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं को विचार करके देखे, ये जो इतना सारे द्रव्यमय योग्य हुआ है तो भक्ति योग्य है, है अगर भक्ति नहीं है तो द्रव्यमय योग्य ही हो गया, द्रव्य ओरिएंटेड है ना, ये जो भंडारा आदि सब तो द्रव्यमय योग्य है। अगर भक्ति है तो ये अलग चीज है, भक्ति अगर नहीं है तो द्रव्यमय योग्य, तो द्रव्यमय योग्य, द्रव्यमय योग्य मतलब जो ठाकुर के देने का व्यवस्था लोगों को दिए, ये अगर भक्ति पूर्वक दिया जाए तो ठाकुर जी ग्रहण करे तो प्रसाद हो जाता, प्रसाद तो चिन्मय वस्तु है। तो तमाम ये जो द्रव्यमय योग्य है, इसका बाद हमको नेट हिसाब करना है, विचार करना है। तो आज जो ये भंडारा हुआ, आज जो हरिकथा सुनने गया, तमाम ये जो भक्त संग किया, उसका बाद नेट आउटकम क्या है, हमारा वास्तव आउटकम क्या हुआ, कोई तरक्की हुआ कि नहीं, ये अगर नहीं विचार किया जाए तो कोई भी अनुष्ठान में योगदान करो कुछ करो तो मुश्किल है। विचार करना चाहिए जो अंदर में कोई तरक्की हुआ कि नहीं, नहीं तो पीछे चला गया।
क्योंकि द्रव्य कर्म कर्म ब्रह्म भवम विद्धि ऐसा बताया, अर्थात ये समस्त जो गई कर्म से उत्पन्न है। ईश्वर ये जो एक विराट शक्ति विश्वव्यापी कर्म योग्य में आविर्भूत होके सूक्ष्म रूप में विराजमान है, सब योग्य भगवान से ही उद्भूत होता है। इसी प्रकार से विश्व में ये जगत तमाम विश्व में सारे क्रियाकर्म कर्म जो है ईश्वर अर्पणम अगर नहीं अर्पणम मस्तु ऐसा अगर नहीं बोला जाए तो मुश्किल है। परमेश्वर का उद्देश्य में यज्ञ रूप होनी चाहिए, यज्ञ रूप हो जाता है। और ये सारे तमाम यज्ञों का अंतिम फल है आत्मज्ञान प्राप्ति करना, ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान प्राप्ति करना। तमाम ये सब योग है द्रव्यमय योग जो कुछ है इसका अंतिम मकसद है, योगों का शेष फल अंतिम फल है आत्मज्ञान एवं ब्रह्मज्ञान पैदा करना। ये अगर अनुभव में आ गया तो अवश्य मुक्ति का तो कोई सवाल ही है नहीं, अवश्य हो जाएगा। ऐसा करके बताए तात्पर्य ये है द्रव्यमय योग अर्थात द्रव्य साध्य योग्य जैसे दैव योग्य निर्योग्य दान योग्यादि सारे भूत योग्य सारे द्रव्यमय योग्य सारे द्रव्यमय योग्य। किंतु ये सब योग्य जो है ये सब योग्य अगर पक्का बुद्धि से नहीं किया जाए इसके द्वारा कूप आदि खनन व्यापी कूप आदि खनन सब द्रव्यमय योग्य इसमें स्वर्गादि लाभ होना असंभव नहीं है। किंतु ज्ञान व्यतीत अगर ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है सब यज्ञ से तो इसके द्वारा इसके अगर नहीं हुआ ज्ञान पक्का तो मोक्ष लाभ होना संभव नहीं। तो मतलब माने ये हुआ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि यज्ञ रूप में कृतो निष्काम कर्मों के द्वारा वासना और अहंकार धीरे 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 लोप होते जा लोप माने खत्म होते जा रहा है। यज्ञ रूप में किया हुआ कर्म जो है निष्काम भाव से किया गया कर्मों के द्वारा अपना अंदर में जो वासना का श्रृंखल वासना का बंधन है व्यासन है वासना और अहं बुद्धि कर्ता अहमिति मन्नत ऐसे जो अहं बुद्धि ये धीरे धीरे लुप्त होते जाता है इसीलिए इसका इतना महिमा है। ये लुप्त अहंकार बुद्धि लुप्त होते जा रहा है एवं अंतिम में सम्यक बुद्धि वृद्धि होते रहता है। साम्य बुद्धि का मतलब है बराबर दर्शन क्रमशबद्ध एवं परिशेष आत्मा संपूर्ण समता में प्रतिष्ठित हो जाते। आत्मा इसी उच्चतम अवस्था का नाम ही ज्ञान। सम मतलब इसमें दूजा भाव नहीं रहता, सारे भगवान के द्वारा ही हो रहा है ऐसा बुद्धि हो जाए। ये सम बुद्धि क्रमशः वृद्धि होते होते अंतिम में आत्मा संपूर्ण समता में प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मा का ये उच्चतम अवस्था का नाम ही है ज्ञान। ज्ञान परिपक्व अवस्था में पहुंच गया। इस समय मैं मेरा बोल के जो एक कच्चा ज्ञान ये खत्म हो जाता है, नहीं रहता। सर्वभूतों में आत्मवस्तु का दर्शन होते रहता है बड़ा ऊंचा। सर्वभूत में एक आत्मवस्तु का आत्मा का दर्शन होते रहता है, भगवान आत्मवस्तु का दर्शन होते रहे। और कर्मयोग के सिद्ध अवस्था ये आत्मज्ञान लाभ है। कर्मयोग का सिद्ध अवस्था में क्या होनी चाहिए? आत्मज्ञान लाभ। इसीलिए
बोला गया समस्त कर्मों परिसमात्मिक ज्ञानों में है, इसीलिए सर्वम सर्वम कर्माखिलम पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते, इसीलिए बोला गया और कोई कारण नहीं। दूसरा श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन अनुभव होना जरूरी है, बिना अनुभव ये श्लोक का कोई अर्थ नहीं बैठता है। ये है तद्विद्धि पुनिपातेनो परिपोषणो सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिना, ये तो बोलने में बहुत आसान है। तद्विधि मैंने जान के रखो, प्रणिपात प्रणिपात माना प्रकृष्ट रूप से दंडवत होना, प्रकृष्ट रूप में दंडवत का माने हैं अपना अंदर का जितना सारे अभिमान का गंदगी है सब मिटा दो, इसका नाम प्रणिपात। प्रणी मैंने प्रकृष्ट रूप में पात माने पतन हुआ, आपका आपका सामने गिरा है, गिरा माने प्रोस्टेटेड दंडवत किया है, साष्टांग दंड क्षमा करो बचाओ मेरे को, इसका मतलब है अंदर से तमाम अभिमान का जो गंदगी है तमाम निकल जाए तो प्रणिपात होता है। अभिमान का गंदगी रहे और प्रणिपात भी हुआ ये हो ही नहीं सकता। प्रणिपात का माने ये है काय मन वाक्यों के द्वारा शरणागत होना, ये दंडवत है, ये प्रणिपात का ये माने है। दिखावा प्रणिपात कर दिए प्रणिपात हो गया ऐसा नहीं, तो इसका माने ये है तद्विद्धि प्रणिपाते न परिपोषण न सेवाया, ये जानना चाहिए कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिपोषण न सेवाया। प्रणिपात तो प्रणिपात का जो मसला है तो समझा, और परिपोषण क्या है, परिप्रश्न का मतलब है प्रकृष्ट प्रश्न, प्रकृष्ट प्रश्नों का मानी है आत्मसंक्रांत प्रश्न, आत्मज्ञान का साथ जुड़ा हुआ जो प्रश्न है परिप्रश्न है, मैं कौन हूँ काया कहाँ से आया हूँ, ये जो सारे हमारा साथ इस जगत का क्या संबंध है, ये अंदर में ऐसा आई ऐसा मापिक अगर परिप्रश्न आया तो बड़ा ये बड़ा तारीफ करने वाला चीज है, बहुत प्रशंसनीय है। अगर ये प्रश्न आया तद्विधि पुनिपात परिप्रश्न मतलब प्रकृष्ट प्रश्न जिसके द्वारा आत्मज्ञान का उन्मेष हो जाए, आत्मज्ञान का साथ कोई उन्मेष नहीं है कि उसको परिप्रश्न कभी नहीं बोला जाता। परिप्रश्न तब है जो आत्म तत्व के बारे में जानकारी करने के लिए प्रश्न किया, ये परिप्रश्न है जिसमें कोई चैलेंजिंग मूड नहीं है बिल्कुल, जिस प्रश्न में बिल्कुल कोई चैलेंजिंग मूड नहीं है, चैलेंजिंग मूड बिल्कुल नहीं है, गंदगी नहीं है कुछ, ये परिपात परिप्रश्न है। और अंतिम चीज है सेवा, सेवाया, बिना सेवा हम गुरु जी से जितना भी मंत्र दीक्षा ले और हरि कथा सुने सब सुने ठीक है, जब तक हम सेवा में जब तक हम गुरु सेवा में नियोजित हो नहीं हो पाए तब तक ये ज्ञान का परिपुष्टि विधान संभव नहीं, रियलाइजेशन संभव नहीं, समझा मेरा बात। जैसे कि उदाहरण दे, कपिल जी महाराज आविर्भाव हुआ कर्दम ऋषि का घर में, कर्दम ऋषि का घर में भगवान वामन जी महाराज आए और कर्दम ऋषि पहले से भजन कर रहा था, आप जानते ही होंगे बहुत भजन कर रहा है, और बीबी को ये कह के रखे कि जब ये लड़का पैदा हो तो हम चले जाएंगे प्रभुजाए लेके चले जाए, प्रभुजा मतलब सन्यास लेके चले, माने ये है कि किसका लिए भजन की किसका लिए भजन किया, कर्दम ऋषि
कर्दम ऋषि भजन किया किसका लिए, भगवान के लिए। अरे वही भगवान आ गया घर में हैं, फिर भी वो प्रवज्जा लेके चल रहा है, प्रवज्जा लेके चल रहा है, क्योंकि भगवान का कृपा तो मिल गया, भगवान आया है और भगवान का भी सेवा फिर सेवा है, मतलब भगवान इंसान को ज्ञान को उपदेश करेंगे, तमाम विश्व को इसका जानकारी मिलेगा। और कर्दम ऋषि ये सन्यास का सन्यास लेते हुए चले गए, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान तीनों चीज है। प्रत्यक्ष ज्ञान माने आंखों, त्वचा, मुख, सबके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्षानुभूति। परोक्ष मतलब नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, जैसे किवार बंद है, घर का किवार बंद है और दरवाजा उस पर किसी बुला रहा है, उसका कंठस्वर सुन के ये लगता है कि मेरा चाचा आया है, प्रत्यक्ष रूप में खोल के देखा नहीं, लेकिन ये आ रहा अनुभव हो रहा है कि पीछे इसका ही स्टोन है और समझा। भगवान कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते रहते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष, अपरोक्ष मतलब अपरोक्ष, परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष दर्शन सेंस ऑर्गन के द्वारा, अपरोक्ष दर्शन अनुभव होता है परोक्ष, अपरोक्ष मतलब ये जो तत्व हमने जाना है इसका आमना सामना किया तत्व का साथ, अपरोक्ष माने इस पर अंदर में कोई बैरियर नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, डायरेक्टली। जैसे हमारा दर्शन में, भगवत दर्शन में रुकावट है, हमारा भगवत दर्शन में रुकावट है, कौन सी रुकावट, बोले रुकावट है माया का। हमारा जो दर्शन है, हमारा दर्शन में रुकावट है माया। माया का पर्दा अगर हटाया जाए तो खुल्ला खुल्ला ठाकुर जी दिखाई पड़ेगा। हमारा और भगवान, हमारा दर्शन का बीच में, भगवत दर्शन के बीच में एक ही रुकावट है, वो माया का बैरियर। ये माया अगर हटाया जाए तो पूरा दर्शन हो जाएगा, कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा करके बताया कि तमाम ये तो तद्विद्धि पुनिपाधन परिवेशन सेवाया उपदेक्षंति ते ज्ञानम ज्ञानी ने सत्त। तो हम गुरु जी से, वैष्णव लोगों से बहुत सारे हरिकथा सुना, बहुत सारे नाटकबाजी किया, लेकिन सेवा में हाथ नहीं बटाया। वास्तव गुरु सेवा मतलब गुरु संतुष्ट के लिए हमने कुछ नहीं किया। तो जितना भी ज्ञान आपने गुरु जी से हरिकथा सुना, मंत्र दीक्षा लिया, कुछ भी किया, जब तक आप गुरु सेवा नहीं कर पाओगे, जब तक गुरु सेवा हो नहीं पाया, तब तक ये ज्ञान जो है ये अनुभूति में, अनुभव में नहीं उतारा है। अनुभव में उतारने के लिए हमको सेवा का जरूरी है। ये तो ज्ञान सुना है, याद है, ये एक्सपीरियंस के रूप में रह गया, लेकिन ज्ञान अप्राकृत जगत का ज्ञान जो अप्लाइड फॉर्म में है, गुरु सेवा के द्वारा, वैष्णव सेवा के द्वारा जब अनुभव में उतार आया, तब ये ज्ञान का सक्सेस है। जैसे अर्जुन, हमने बताया अर्जुन ने सुना है भगवत गीता, लेकिन जब भगवान चले गए जगत से, अर्जुन जी कह रहे हैं कि अभी गीता का डाइजेशन है, पूरा डाइजेशन अनुभव, पहले सुना है, थोड़ा बहुत समझा है, लेकिन आज जो भगवान चला गया और संग्राम मूर्धनी संग्राम का सन्मुख कुरुक्षेत्र युद्ध में, संग्राम मूर्धनी संग्राम का मुख जो तत्वज्ञान का उपदेश हमको मिला था, आज लगता है कि अनुभव में उतार आया, क्योंकि भगवान चला गया।
भगवान जाने का बाद सेपरेशन, एक विरह, प्रबल विरह तत्व सता रहे हैं। और यही है सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज भगवान के लिए, भगवान का अभाव महसूस करना, भगवान कहाँ चला गया। ये जो विरह तत्व है, अपराकृत जगत का गुरु वैष्णव भगवान का विरह तत्व जो है, ये विरह तत्व हमको तमाम फायदा देने वाला है, तमाम फायदा। तो तद्विधि पुणिपातेन परमेश्वर सेवया, ये तीन कंडीशन है। ये तीन कंडीशन जब तक फुलफिल ना हो जाए, जब तक ये तीन ज्ञान फुलफिल हो जाए, तब तक ये हमारा ज्ञान का परिपुष्टि होना संभव नहीं। इसीलिए बताया गया तद्विधि पुणिपातेन परमेश्वर सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी सब महापुरुष जो है गुरु वैष्णव, आपका ये तीन कंडीशन जो है प्रणिपात परिवेश सेवा, ये देखते हुए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ये तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी, तत्वदर्शी महापुरुष जो है वह आपको तत्व ज्ञान का उपदेश जरूर करेंगे। और ये तत्व ज्ञान जानने का बाद जज ज्ञात्वा न पुनर्मोह्यमेव, जज ज्ञात्वा न पुनर्मोह्यमेव जससि पांडव, जेनो भूतानि अशेषानि दक्षस्यात्मनि अथो मयि। जो दिव्य ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्ति होने का बाद जज ज्ञात्वा, जिस तत्व ज्ञान दिव्य ज्ञान प्राप्त होने का बाद न पुनर्मोह्यमेव जस्वसि पांडव, मोह प्राप्ति होना बिल्कुल संभव नहीं। बिल्कुल मोह प्राप्त होना संभव नहीं। और जेनो भूतानी अशेषानी, तमाम भूतोग्राम को द्रक्षस्वात्मनि अथो, अपना अंदर में देखोगे और हमारा अंदर में सारे तमाम चीजों को देखोगे। जेनो भूतानी अशेषानी द्रक्षस्वात्मनि अथो मुहि, तुम्हारा अंदर में सर्वभूत एक आत्मा का दर्शन करोगे। ऐसा तत्वरुषि मन अनुभव करता तुम्हारा अंदर में सारे। तो ये जो है हे पांडव, जज ज्ञाता जो जानने का बाद पुनः एवं मोह पुनराय मोह प्राप्त होना संभव नहीं। न जससि प्राप्त होना संभव, जेनो जिसके द्वारा अशेषानी भूतानी चराचर भूत सकल आत्मनि आत्माते अथो मयि अनंतर आमाते, पहले अपने अंदर में देखोगे और उसके बाद तमाम दुनिया जो कुछ है अथो मयि अंतर हमें द्रक्षसि देखोगे। बड़ा ऊंचा चीज है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जानने का बाद कोई भी पाप बसता नहीं। ओपी चेद ओसी पापेभ्यो सर्वभो सर्वेभ्यो पाप कृतम, ओपी चेद ओसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतम। तमाम दुनिया का जो पापी व्यक्ति है, इससे भी बढ़कर अगर तुम पाप कर लिया है तो फिर भी ओपी चेत उसी ओपी चेत ओसी पापेभ्यो सर्वभ्यो पाप कृतम, तमाम दुनिया का पापियों से भी तुम्हारा पाप अगर ज्यादा है तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि एवं ग्लै एवं ज्ञान प्लवे नैव ब्रिजिनम संतरी शशि,
क्योंकि ज्ञान रूप ये प्लवा है, किश्ती है, बोट है, इसके द्वारा ब्रिजिनम दुखों का सागर, अज्ञान का सागर को संतरी शशि सम्यक रूपे तैर के चले जाओगे, ये नियम है। तो ओपी चेद ओसी पापेभ्यो सर्वभ्यो पाप कृतम, ओपी चेद ओसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतम, सर्वम ज्ञानो प्लवे नैव ब्रिजिनम संतरिष्यसि, तुम ये जो दुखों का सागर है, अज्ञान का सागर को पार करके चले जाओ। तुम अगर जितना भी पापी पाप किया हो, सबसे तमाम दुनिया का जितना सारे तमाम पापियों से भी तुम्हारा पाप अगर भारी पड़ गया, तो तथापि ये ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान जो आत्मज्ञान है, ये इसका जो प्लवा है, प्लवा मतलब जो तरणी है, किस्ती है, इसके द्वारा समुदाय पाप समुद्र तुम अनायास पार के चले जाओगे। ओपी चेत ओसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव ब्रिजिनम संतरिष्यसि, तुम अनायास पार होके चले जाओगे, कोई चिंता नहीं। वो कैसे बला, जथी धांसी समिद्धो अग्निर भस्मस्वात कुरुते अर्जुन, जैसे काष्ठखंड है, काष्ठखंड लकड़ी, जथी धांसी समिद्धो अग्निर भस्मस्वात कुरुते अर्जुन, जैसे समिद्ध काष्ठखंड है, आग में फेंक दिया, आग में फेंक दिया तो जल जाएगा। जथई धांसी समिदो अग्निर भस्मस्वात कुरुते, सारे भस्म भस्मीभूत हो जाता है, जैसे लकड़ी समिद, समिद समिद मतलब जोग्यार्थ आहरित काट को समिद बोला जाता है। ये शुद्ध शब्दों से यही बोलना चाहिए, जथई धांसी समिद्धो अग्निर भस्मस्वात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि ज्ञानाग्नि सर्वकर्मा कर्माणि, ज्ञानाग्नि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मस्वात कुरुते, ऐसा मापिक जो ज्ञानाग्नि जो है, ये सर्व कर्म जो है इसको भस्मीभूत कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा सर्व कर्मों को भस्मसात कर देता, मतलब कर्मों का फल नहीं बचता, फल नहीं है, ये जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ऐसा नहीं, क्योंकि वह भस्मसात करा दिया, कर्मों का पूरा जला दिया पूरा। तो जथई धांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुनो, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मस्वात कुरुते तथा, जैसे समिद लेके पहुंचा गुरुजी का सामने, गुरुजी यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में हमारा आहुति दे दिया समिद को, यथे धांसी समिद्धो अग्निर भस्मस्वात कुरुते अर्जुन, ऐसा ही मापी ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसत कुरुते तथा, निश्चित जान लो तमाम कर्मों का जो फल है, ये है वो है, तमाम जला के रख दे। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसत कुरुते, ज्ञान का अग्नि का इतना प्रभाव है, वो जला के रख देगा। क्योंकि ज्ञान का कोई, ज्ञान का जो तुमने ज्ञानाग्नि जो तमाम जो कर्मों का जो फल है, ये है, सारे जला के रख दे, भस्मसात कुरुते समिद ए धांसी, ऐसे हे अर्जुन, जैसे जलता हुआ अग्नि
हे अर्जुन, जैसे जलता हुआ अग्नि काष्ठ राशि, तमाम काष्ठ राशि को भस्मीभूत कर देता है, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि कर्म राशि को भस्मीभूत कर देता है, कर्म का फल फल कुछ नहीं, सारे खत्म कर दे, ऐसा प्रभाव है। और 38 नंबर में ठाकुर जी बताए, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते। ज्ञान के मापिक पवित्र और कुछ नहीं है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते। ज्ञान का मापिक पवित्र कुछ नहीं है, और ज्ञान परिपक्व अवस्था में भक्ति में बदल जाता है, मैंने बताया पहले। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते, क्यों? ज्ञान का ऊपर कुछ नहीं है, क्यों? तत् स्वयं जोगो संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इसी लोक में, यह जगत में ज्ञान का मापिक, ज्ञान का सदृश पवित्रम न ही विद्वते, पवित्र और कुछ नहीं। और यही ज्ञान जोग संसिद्ध जोग संसिद्ध मतलब कर्म योग के द्वारा सिद्ध पुरुष, कालेन मतलब ग्रेजुअली इन कोर्स ऑफ टाइम, कालक्रमे आत्मनि स्वयं विन्दति अंतकरण में अपने आप लाभ करता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते तत् स्वयं, अतः ये ज्ञान स्वयं जोग संसिद्ध कालेनात्मनि, जोग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, आत्मनि स्वयं विन्दति, अंतकरण में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसा करके तारे तत्व न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते तत्स्वयं जोग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, ज्ञान समय का अनुसार अपने आप अंतकरण में ज्ञान का प्रकाशित हो जाता है, और ज्ञान का मापिक पवित्र कुछ नहीं है। और जो ज्ञान लाभ करे, कौन लाभ करे? जो ज्ञान के बारे में बताया गया, ये ज्ञान कौन लाभ करे, इसका कंडीशन दिया गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजितेन्द्रिय। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान लाभ, श्रद्धावान मतलब कम से कम आस्तिक बुद्धि, भगवान गुरु वैष्णव ठीक है, अरे हम समझ नहीं पा रहे, फिर भी अगर इतना समझे, श्रद्धावान मतलब आस्तिक बुद्धि संपन्न, जिसका अंदर में भगवान नहीं है ऐसा भी चर मायावादी, ये नहीं चाहिए। तो श्रद्धावान व्यक्ति तत्पर अर्थात अनलस बा एकनिष्ठ, अनलस माने निकम्मा बैठ होके बन के बैठा नहीं, तत्पर माने अनलस, टू टेक इफेक्टिव अरेंजमेंट, तो श्रद्धावान तत्पर एकनिष्ठ, और उसके बाद संग जितेंद्रिय, जितेंद्रिय पुरुष, संग जितेंद्रिय, ज्ञानम लभते ज्ञान लाभ करता है, और ये ज्ञान लाभ करने के बाद ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेन बहुत जल्दी, पराम शांतिम
अधिगच्छति परम शांति को प्राप्त करते। जो श्रद्धावान है और एकनिष्ठ साधक, एकनिष्ठ साधन तत्पर, जो श्रद्धावान है, श्रद्धा शब्द कहे शुद्धिर विश्वास, कृष्ण भक्ति कहिले सर्वोक, ये जो व्यक्ति के अंदर में श्रद्धा है और जो एकनिष्ठ है साधन तत्पर जितेंद्रिय, वही ज्ञान लाभ करने में समर्थ है, बाकी लोग नहीं। जितेंद्रिय ज्ञान लाभ समर्थ में वही व्यक्ति समर्थ है, बाकी नहीं। सत मतलब ये है कि जो व्यक्ति श्रद्धावान एकनिष्ठ साधन तत्पर और जितेंद्रियो, वो व्यक्ति ज्ञान लाभ कर सकता है और आत्मज्ञान लाभ करके अचिरात परम शांति को प्राप्त करते हैं। ऐसा करके आत्मज्ञान लाभ होने से, आत्मज्ञान लाभ होने से परम परा शांति को प्राप्त करते। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो, शांत माने शांति। कृष्ण भक्त निष्काम है, कोई कामना वासना है नहीं, इसीलिए शांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत लिखा हुआ है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी तमाम अशांत है। अशांत इसलिए है, इसका अंदर में तमाम दुनिया भर का कामना वासना भरपूर है। दुनिया का कामना वासना इसका अंदर में भरपूर है, इसलिए अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और दूसरा दूसरा जगह बताया गया, भक्तिर हृदय सदा गोविंदर विश्राम। तमाम दुनिया में भगवान है, फिर भी इधर कह रहे हैं कि भक्तिर हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्तों का हृदय में गोविंदो विश्राम लेने में समर्थ है, क्योंकि बेचैनी नहीं है, कोई जलन नहीं है, इसीलिए बोला गया। कोई कामना वासना नहीं, कुछ नहीं है। अगर कोई कामना वासना लेके भक्ति करे, फिर भी करे, अकाम सर्व काम बा बता दिया, मोक्ष काम उदार उधि तीव्र न भक्ति जोगे न जजे तो पुरुषो, भगवान का ही भजन करना चाहिए। सिद्धि मुक्ति कामी जो है सारे अशांत है। इस कृष्ण भक्त निष्काम होते शांत हो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत हो, क्योंकि इसका अंदर में कामना वासना है। तमाम जो है ये सारे भुक्ति भोग करने वाले, मुक्ति ब्रह्म साजुज आदि करे, मुक्ति मिलने का प्रयास में लगा हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी वाले तमाम अशांत है, क्योंकि दिल में बेचैनी, हर वक्त बेचैनी है। और भक्तिर हृदय सदा गोविंदर विश्राम, भक्तों का हृदय ही भगवान का वास्तव विश्राम स्थल है, कि उसमें कोई कामना वासना नहीं है। और भक्ति को अगर कामना वासना हृदय में है, फिर भी भक्ति कर रहा है, ऐसा अगर हो तो कंटेमिनेटेड भक्ति है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया, जैसे एक भक्तों ने बहुत सोकल्ड भक्त हो, पक्का भक्त नहीं है, वो परमान्न रसोई किया, परमान्न रसोई इतना ध्यान से किया वो पूछो मत। लेकिन एक गलती रह गया, परमान्न रसोई किया लेकिन एक गलती रह गई, पूरा के पूरा जो जो डालना है परमान्न में एकदम टेस्टी, लेकिन एक गलती रह गया, ये जो गोविंदो जो चाल है ये चाल में आपका स्टोन चिप था, मिलावटी
इच्छा करके बदमाश लोग ये गोविंद चाल बहुत कीमती है, इसमें गुड़ा गुड़ा करके सादा सादा पत्थर कुचा टुकड़ा इसमें डाल दिया। और परमानु तो पता ही नहीं चलता इतना सुंदर, चालों का माँ भी छोटा छोटा, अतिक ध्यान नहीं दिया। परमानु हो गया, परमानु हो गए होने का बाद ठाकुर जी को दिया गया। ठाकुर जी तो बोलता नहीं, इच्छा करके ऐसा रहता है। मूर्ति मतलब मौन व्रत रखता है, बातें नहीं करता। तुम कैसे भी करो, हम देख हम सेवा ले लेंगे तुम, विग्रह का कीपा है। और ठाकुर जी को देने के बाद ठाकुर जी बोला नहीं कुछ। माधवेंद्रपुरी पाद आदि भक्तिपुरी को से महाराज ये सब भगवान बातें करते थे तुम्हारा सेवक मेरे को ये किया ऐसा और ऐसा करते करते परोसने के टाइम में जब आम आदमी को परोसना शुरू कर दिया, वो तो खाया, अरे थू थू थू, क्या हुआ? बोले परमानंद तो बहुत टेस्टी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसका अंदर में पत्थर का टुकड़ा है। अच्छा, पूरा भरपूर। ये उदाहरण दिया गया ठाकुर जी, जैसे परमानंद बहुत टेस्टी होने का बावजूद खाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसका अंदर में पत्थर का टुकड़ा है। ऐसा आपका भक्ति जितना भी करो, जितना भी दिखाओ, अंदर में अगर कामना वासना का पत्थर का टुकड़ा रहे तो ठाकुर जी खाने में सुख अनुभव नहीं कर सकता। गोविंद भक्ति हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों का हृदय का अंदर में भगवान हर वक्त विश्राम लेते, क्योंकि कोई कामना वासना है नहीं, इसीलिए आराम से रहते। इधर एक प्रश्न उठता है, विश्वास और संशय, ये दोनों बात को खुलासा होना चाहिए। इधर बोला गया श्रद्धा द्वारा, शुद्धा के द्वारा ही ज्ञान लाभ होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये बताया पहले। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान प्राप्ति करना संभव ही नहीं। जो व्यक्ति अज्ञ है, जिसका कोई शास्त्र ज्ञान आदि कुछ नहीं है, जो व्यक्ति सदुपदेश प्राप्त किया नहीं, गुरु वैष्णव से सदुपदेश प्राप्त किया नहीं, एवं जो व्यक्ति श्रद्धाहीन है, अर्थात उपदेश लाभ करने का बावजूद उसका बोलते कोई विश्वास नहीं है, श्रद्धाहीन कोई विश्वास नहीं कर पाता, श्रद्धा है ले श्रद्धाहीन है, और आदेश का अनुसरण करके क्रियाक्रम करता नहीं, तदनुसार में कार्य जो करते नहीं है, क्यों नहीं करते? बोले उसका अंदर में विश्वास नहीं। विश्वास क्यों नहीं? संशय है। विश्वास क्यों नहीं? संशय है। ये संशय आत्मा अर्थात जिसका सकल विषय में संशय है, अरे ये क्या भक्ति भक्ति रखा है, बेकार, काम करो खाओ, ऐसा बता दी। रघुनाथ भागे जा रहे हैं और पिताजी बार बार पकड़ के ले रहा है, अंतिम बार में तो भग गया एकदम पूरा, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में पहुंच गया। तो संशय आत्मा अर्थात जिसका सब सकल विषय में संशय है, ये क्या है, ये ठीक नहीं है, ये होनी चाहिए था, तत् ऐसा करके हर वक्त संशय संदेह में दद्दुल्यमान अर्थात सस्पेंडेड ऑसिलेटिंग कंडीशन, ऐसा मापिक जो चिंता है, ये संध्याकुल और तमाम संध्याकुल आदमी का अपने आप में भी विश्वास खोता है, अपने आप में भी विश्वास नहीं टिकता, होता नहीं। ऐसा मापिक अगर अविश्वास है, विषय संशय है, ये रूप चिंता के द्वारा संदेह आकुल हो जाता है हृदय, और ऐसा मापिक कोई व्यक्ति का आत्मोन्नति, उसका आत्मा का उन्नति का कोई रास्ता नहीं बचा। क्यों? ये संशय आत्मा है। ये जो विश्वास और संशय, दो बात को विचार करना चाहिए।
यहां बताया गया श्रद्धावान लभते ज्ञान, अर्थात श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञान का प्राप्ति होता है। और श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा मतलब श्रद्धा का व्याख्या क्या है चैतन्य चैतन्य तो बताया गया। श्रद्धा शब्द कहे सुदीर विश्वास, श्रद्धा शब्द कहे सुदीर विश्वास, कौन सी विश्वास? जे कृष्ण सेवा, कृष्ण का सेवा करने से ही, भजन करने से तमाम पूरन महापूरन हो जाता है। जथा तरर मूल निषेचन तिप्पन्ति स्कंदो भुजौ पोशाखम प्राणोपहारस्ंद्रियाणम तथैव सर्व अर्हरणम अच्युतेज्जा। श्रद्धा द्वारा ज्ञान लाभ होता है और शास्त्र वाक्यों में साधु साधु विश्वास यही श्रद्धा का जड़ है विशेष। और भक्ति विश्वास से भक्ति विश्वास अर्थात भगवान, भक्ति मतलब सेवा, वो पहले ही बताए कृष्ण का सेवा करे उसमें तमाम हो जाएगा पूरा, ये भक्ति है। भक्ति विश्वास ही ज्ञान उत्पत्ति भित्ति, भक्ति में विश्वास यही ज्ञान का भित्ति है, फाउंडेशन। चक्षु कर्णो जो जितना सारी इंद्रियां हैं बुद्धि विचार के द्वारा तमाम विषयों से हम लोग ज्ञान संग्रह करते रहते हैं, लौकिक ज्ञान ये। तमाम चक्षु कर्ण आदि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि विचार के द्वारा एक एक विषय से नाना विषय से हम लोग ज्ञान लाभ करते रहते हैं, ये मेटेरियल ज्ञान लौकिक ज्ञान प्राकृत ज्ञान। ऐसे और इसमें जो हमारा भक्ति राज्यों का जो श्रद्धा है ये अगर ऐसा में भी है तो गुरु वैष्णव हमारा मेटेरियल एडुकेशन में भी शिक्षक लोगों को प्रणाम करते थे, थोड़ा वो विश्वास होनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा बोल के जो विशेष चीज है साइंटिफिक श्रद्धा शब्द करे सुदीर विश्वास, ये स्कूल कॉलेज में किसी जगह शिक्षा किया, पैसा दिया शिक्षा लिया, कंप्यूटर सीखने गया और हम पैसा दिया सीखा, इसमें ऐसा मापिक श्रद्धा का जरूरी दिखा नहीं पड़ते। शुद्धि होने से ऐसा मापिक श्रद्धा दिखा नहीं जाता, प्राकृत ज्ञान। इसमें अगर अविश्वास आए, गुरुजी टीचर को अगर पूछे मैथमेटिक्स में ये कैसे हुआ, ये तो ठीक नहीं, ये कैसे हुआ फिजिक्स में, ये अविश्वास अतः संशय, जितना हमारा अंदर में क्वेश्चन पैदा हो क्यों हुआ कैसे हुआ ऐसा बोलते चले, तो इसके द्वारा हमारा टीचर हमको बताएंगे, तो हमारा संशय है दुनियादारी का नॉलेज को पक्का करने के लिए ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, पक्का बात। अगर कोई संशय नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा टीचर लोग शिक्षक लोग कहते ये बेकार है, इसका अंदर में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बाजे खराब स्टूडेंट जो है पीछे बैठता है, ये दोनों में फर्क है। और अर्जुन को भगवान जो बता रहे ये ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान, इसमें मिनिमम एक विश्वास का जरूरी है प्रिलिमिनरी, क्योंकि जब हमको परम सत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो किस हिसाब से हम डाउट करेंगे ये गुरु जी ठीक नहीं, ये नहीं कैसे। इसमें हमारा बेसिक एक तो पक्का विश्वास होनी चाहिए, ये जो श्रद्धा है ये है। जैसे कोई अ आ क ख ये सीखना शुरू कर दिया और अ आ क ख सीखने के समय जब पंडित जी आए उसको पहला हस्ताक्षर अभ्यास सरस्वती पूजा का दिन, और ये जो बच्चा इतना पक्का है वो जो शिक्षक कह रहे कि इसको अ बोलो, ये अ है आ है क ख बोलो, बोले क्यों बताए,
क्या प्रमाण है ये क है, क्या प्रमाण है ये ख है, हम मानेंगे नहीं, तो हो गया। पहले अगर बहस शुरू कर दे तो हो गया। तो परमार्थ राज्य में जो आता है पहले उसको कोई जानकारी नहीं, तकदीर अच्छा है, अंतरात्मा का एप्लीकेशन अच्छा है, आत्मा मतलब सिंसियर है, बल्लभ जी महाराज इसी मुताबिक गुरु का पास ले जाते हैं, लिखा है गुरु का व्यवस्था कर देते हैं, बल्लभ जी महाराज स्वयं आते हैं अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस संस्कार। धीरे धीरे गुरु प्राप्त होता है, हर व्यक्ति का एक किस्म का गुरु नहीं, अलग अलग अपना अपना संस्कार को गुरु जी गुरु प्राप्त होते हैं। तो ये मेटेरियल जगत में जो टेस्टिंग है, साइंटिफिक रिसर्च का ज्ञान है सब, ये क्यों हुआ, ये कैसा कारण क्या है, इसका कारण ढूंढो, फिर उसका बाद ये क्यों हुआ, उसका बाद उसका पीछे का कारण ढूंढो। ये रिसर्च का मतलब है ये, डाउट है, संशय है, संदेह है, इसको निरासन करते चलो, फिर अंतिम गोल में पहुंचाओगे। क्योंकि ये जगत का जो ज्ञान है, जगत का जो सत्य है, ये तो ठीक है, यूरेनियम से रे निकलता है अल्फा बीटा गामा, ये तो सत्य ज्ञान है, कि ये परम सत्य नहीं है। ये दुनियादारी का जितना भी ज्ञान है ये सत्य का, ये तो सत्य है, अपेक्षिक सत्य। न्यूटन का बहुत सारे लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का लॉ, बहुत सारे चीज न्यूटन ने दिए, इनमें से बहुत सारे ज्ञान बेकार साबित हो चुका है, ये ठीक नहीं। अभी लोग बोल रहे हैं हम लोग ये करके पास किया है, सब कुछ किया, बोल रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं, ये बेकार है। लाइट का जो डेफिनेशन है, लाइट का डेफिनेशन, पहले एक लाइट रे का वजह, जिसका लेंथ है ब्रेथ नहीं है, ऐसा करके पूछा। लेकिन साइंटिस्ट लोग आज बोल रहे हैं कि जिसका लेंथ है उसका ब्रेथ जरूर है, जितना भी सूक्ष्म हो, इन्फिनेटिसिमल कैलकुलस मैथमेटिक्स कंसेप्शन। तो आज जो बच्चा लोगों को स्ट्रेट लाइन का कंसेप्शन बता रहे हैं, फॉर लाइट का एक पेंसिल रे, टॉर्च जलाकर एक पेंसिल रे जा रहा है, ऐसा करके लोग समझा रहे हैं। तो बहुत सारे चीज पहले माना गया कि ठीक है, लेकिन आज वो असत्य है। लेकिन अप्राकृत जगत का ज्ञान ऐसा नहीं, अप्राकृत जगत का ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रूथ, इसमें कोई अमेंडमेंट फमेंडमेंट कुछ नहीं चलने वाला, अमेंडमेंट चलेगा नहीं। तो ये जगत का जो ज्ञान है इसमें अमेंडमेंट नहीं चल रहा, जगत का सत्य है। ये जगत का निम्न स्तर का जो सत्य वस्तु है इसका साथ झूठा मिथ्या मिलावटी है, यहाँ का जो सत्य है सत्य का साथ मिथ्या मिलावट है। संशय बुद्धि के द्वारा परीक्षा करते करते बुद्धि विचार के द्वारा मिथ्या से सत्य को पृथक कर लेने का जो पद्धति है, टेस्टिंग है, ये पक्का ज्ञान इधर ई जगत में बोलता है। हमारा अप्राकृत जगत का पक्का ज्ञान ऐसा नहीं है, ये तो एकमात्र सेवा के द्वारा ही हृदय में, क्योंकि ये ज्ञान जो है बाहरी दुनिया का जितना सारे मटेरियल है, मैटर है, ये तो बाहरी दुनिया में जितना सारे वस्तु है, पदार्थ है, ये वस्तु के साथ हमारा सेंस ऑर्गन बुद्धि मन इसका संयोग के द्वारा टेस्टिंग के मुताबिक जो ज्ञान हमारा सामने आता है ये ज्ञान है। लेकिन अप्राकृत जगत का ज्ञान तो ऐसा करके कैसे, क्योंकि अप्राकृत जगत का ज्ञान तो अलग किस्म का ज्ञान है। यहां का ज्ञान जितना सारे इंद्रियों के द्वारा बहिर्जगत का जो वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो इसका संयोग हो जाए, उसका बाद विचार बैठेगा करने का बाद समझे, इसका ज्ञान। लेकिन अप्राकृत जगत का ज्ञान तो ऐसा नहीं, आत्मा अंतरात्मा जो है चित वस्तु आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। कहने का तात्पर्य ये है हमारा अंदर में ही ये दिव्य ज्ञान जो है तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, सिर्फ प्रकाशित होने का अपेक्षा है। चिन्मय वस्तु
ज्ञानमय वस्तु है, ये आत्मा जो है ये ज्ञानमय वस्तु है। एक 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 क्या ज्ञान बाहर से लाया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये ज्ञान अंतर में ही है, लेकिन इसको प्रकाशित किया जाए तो अच्छा है। प्रकाशित कैसे? बोले गुरु जी के पास दीक्षा लेंगे, गुरु सेवा करेंगे। ऐसा करते करते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशीलो, नौतम ठाकुर ने गाया, नौतम ठाकुर ने गाया दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशीलो। ऐसा नहीं बोला कि दिव्य ज्ञान बाहर से ले आया एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट करके। तो ये जो है इसका माने ये हुआ, जो श्रद्धावान लवते ज्ञानम, ये पक्का बात है, श्रद्धावान लवते ज्ञानम तत्पर संगति, जो तत्पर है, जिसका अंदर सिंसेरिटी है, प्रगाढ़ प्रचेष्टा है, संजितन ये कंट्रोलिंग है, बेकार नहीं है, पूरा कंट्रोलिंग है, संजत पूरा एकदम। और श्रद्धावान लवते ज्ञानम तत्पर संजितेन्द्रिय, और ऐसा करके जो ज्ञान उपलब्ध होता है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनो अधिगच्छति, शांति नहीं यहां बोला पराम शांति, परा शांति, परम शांति मतलब परा शांति को प्राप्त करता है, ये भी मामूली बात नहीं, ये कैसे हो सकता। और ऐसा सारे विचार करके हमने बताया जड़ जगत का ज्ञान कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, उसका साथ हमारा तमाम इंद्रिया और विषय का संयोग के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होने वाला। लेकिन उच्च एब्सोल्यूट जो ट्रूथ है इसमें कोई मिलावटी नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है इसका साथ कोई मिलावटी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये इस जगत का कोई ज्ञान कुछ नहीं है। और इसमें जितना हम तर्क लगाए उतना हम पीछे चले जाएंगे। उल्टा देखो, ये अप्राकृत जगत का जो ज्ञान है इसमें जितना हम तर्क लगाएंगे, विचार लगाएंगे, उतना हम पीछे चले जाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अपना मन बुद्धि तन मन सब लगा दिया विचार, लेकिन एक लात खाके पीछे आ गया, कामयाब नहीं हो पाए, कामयाबी नहीं मिली। क्योंकि ये अप्राकृत जगत में जाओ, जितना सारे संशय संदेह है ये तुम्हारा लिए बहुत खतरनाक है। जितना भी हमारा अंदर में विचार बुद्धि, वो उतना ही पीछे चले जाए, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में लॉजिकल इंटरप्रिटेशन चलता नहीं। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। अप्राकृत जगत का जो परम सत्य वस्तु है, इस रास्ते पे ये आपका ये तरीका जो मेटेरियल ज्ञान का तरीका ये नहीं है, उल्टा है। एब्सोल्यूट सत्व का रास्ते पे हमारा कोई तर्क वितर्क का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन चलता नहीं। इसीलिए महाभारत में ये आता है, अचिंता खलु जे भावाहा स्थान न तर्के न साधयेत, आ किसी किसी जगह जोजोयत लिखा, दोनों है, पाठ पाठ थोड़ा अलग है, कई जगह जोजोयत किसी जगह साधयेत ऐसा लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग एक ही है। अचिंता खलु जे भावाहा स्थान न तर्के न साधयेत, अप्राकृत अचिंत विषय, अचिंत मतलब ये नहीं, अचिंत मतलब आपका कंसेप्शन, अचिंत अचिंत का क्या कंसेप्शन है, ये जो अचिंत शब्द है आपका क्या कंसेप्शन है। बोले अचिंत मतलब चिंता नहीं किया जाता, अरे चिंता नहीं किया ये तो है ही है, और कुछ माने हैं बैठता है कुछ, बोले ना हम तो यही समझ रहे हैं कि चिंता नहीं किया जाए, तो चिंता जो किया, चिंता अगर नहीं किया जाए वो वस्तु बेकार है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारा कभी कभी ये विचार आता है चिंता नहीं किया जाता तो क्या वस्तु है, दे वस्तु ही नहीं है, ऐसा नहीं। हमारा का बुद्धि मन भूमि राप अनलो
वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में प्रकृति रस्तदा, हमारा मन भी बुद्धि भी सब बेकार है, मेटेरियल है। और अचिंत वस्तु जानने के लिए जाओ तो ये जड़ वस्तु हमारा मन तो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो अचिंतो बोलने से तो ये तो आपका समझ में आया कि चिंता का बाहर है, लेकिन और भी एक अचिंतो बोल के और एक रास्ता है, और एक रास्ता है ये अचिंतो शब्द को समझने के लिए। जीव को श्रीपाद जी ने बताया अचिंतो शब्द माने हम लोग सुनते हैं चिंता का बाहर है, लेकिन अचिंतो शब्द के द्वारा ऐसा एक भूमिका है जिस भूमिका में चिंता नहीं जा सकता। ये अप्राकृत तो प्रेम है, प्यार है। जो भगवान का साथ प्यार करे ये अचिंतो वस्तु भी चिंता में आ जाता है, चिंता माना अप्राकृत तो मन में आ जाता है। तो अचिंतो मतलब कोई ये भूमिका है, कोई चिंता का बाहर मतलब फिक्टिटस है, बेकार है, नहीं। अचिंतो का एक अप्राकृत तो माने है, अचिंतो का मतलब एक प्रेम भूमिका है जहां कोई जुक्ति चलता नहीं। आप क्यों मेरे को इतना प्यार करते हो और मैं कितना प्यार करता हूं, ये जो कभी कभी ऐसा प्यार होता है जिसमें ये तो एब्सोल्यूट भूमिका में भगवान का साथ ही जोड़ा जाएगा, गुरु वैष्णव का साथ। क्यों बामन गोस्वामी महाराज केशव गोस्वामी इतना प्यार करते थे, एक गुरु जी है, गुरु जी है मतलब कंपल्सरी, गुरु जी है मतलब कंपल्सरी गुरु जी को प्यार करना चाहिए, इसलिए प्यार। कि तो बामन गोस्वामी महाराज कहते हैं हमको पता नहीं क्यों, हमको पता नहीं हम क्यों गुरु जी को इतना प्यार करते थे। ये अचिंत है, ये बाहर का आदमी कोई कैलकुलेशन करके कर नहीं सकता। जब बामन गोस्वामी महाराज सेवरापुली में पहला प्रवचन किए तो रोते रोते बोले ये तो ये मठ मंदिर हमारा काम नहीं है, हम तो कैसे किया, कैसे ठाकुर जी किया ठाकुर जी जाने, लेकिन हम ये बात पक्का है ये निमाय तीर्थ घाट में हमारा गुरु जी परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज जी प्रवचन किए, और प्रवचन करने का बाद थोड़ा आशा कि इधर कभी ये महापुरुष का इच्छा के अनुसार हुआ, हमारा कोई हिम्मत नहीं ये मठ बनाए, ये इनके इच्छा। ये जो अनुभव की बातें हैं, अनुभव की बातें। तो कभी कभी गुरु वैष्णव का साथ भगवान का साथ क्यों इतना प्यार हो जाता है, ये बाहरी जगत का जो प्रेम प्यार है जिसमें कॉज है, रीजन है, लॉजिक है। क्यों जड़ जगत में सारे संशय है, जड़ जगत में जितना सारे ये संशयाती तो भूमिका नहीं है, वैकुंठ भूमिका नहीं है, एक कुंठामय भूमिका। हेजिटेशन ऑलवेज देयर, हेजिटेशन हर वक्त है, ये भूमिका ये है। और ये जो अचिंतो, ये अचिंतो का मतलब ये नहीं चिंता नहीं किया जाए मतलब ये बेकार है, ये फिक्टिटस है, ऐसा नहीं। अचिंत मतलब ऐसा एक अचिंत भेदावे तत्व के द्वारा ऐसा एक भूमिका है जिसमें चिंता का बाहर है फिर भी चिंतनीय अप्राकृत विचार के द्वारा चिंता किया जाए, प्राकृत चिंता इसमें जाएगा नहीं। सो अप्राकृत जगत का जो विषय है परम सत्य वस्तु, इसका बारे में अचिंता खलु जे भाव स्थान न तर्के न साधयेत, ये तर्क के द्वारा ये प्राप्ति करने का प्रयास प्रचेष्टा मत करो, ये बेकार है। फिर कठोपनिषद में भी एक श्लोक आता है, नैषाम तर्केन मतिरापनेया, न एषाम, नैषाम मतलब न एषाम तर्केन मतिरापनेया। जो तत्व अचिंत है ता तर्कों का विषय नहीं है, तर्कों का विषय में लाने का कोशिश मत करो, प्रयास पे चेष्टा मत करो, इसमें हैरान हो जाओगे। तर्कों के द्वारा ये तर्कातीत वस्तु अचिंत वस्तु कभी लाभ नहीं हो पाता, इसमें जितना तर्क लगाओगे तुम्हारा बुद्धि बिगड़ जाएगा, एकदम खत्म हो जाओगे, संशय आत्मा अविनाशवती। सो परतत्व एब्सोल्यूट का बारे में कभी तर्कों का रास्ते में मत जाओ, तर्क रास्ते में मत जाओ, इसमें भ्रमित हो जाएगा मन।
संशयापन्न होके मारा जाओगे, मारा जाओ मैंने आत्मा का पतन, चेतना नीचे चले जाए। ये परम ज्ञान बाहर से नहीं आता, अंतर से ही प्रकाशित कर देते हैं ठाकुर जी, अंदर से ही प्रकाशित हो पाता एक अनिष्ट साधन के द्वारा, संयम के द्वारा, कामना कुलुष दूरीभूत होने से, काम का कलुष जिसको चैतन्य महाप्रभु चेत दर्पण अर्जनम बोल के हृदय मंजन का रास्ता दिखाया, जो भागवत में बोला गया ना, बहुत बार ये विचार किया, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजनो संप्रयुक्तम। आंखों में काजल, काजल का लेप देते देती थी मैया बचपन में, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ, जैसे ऐसे मत को जैसे बोला गया हमारा मतपुण्य का गाथा सवर्णो विधान, हमारा अप्राकृत जगत का जो प्रसंग है, सुनते 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 जब सूक्ष्म दर्शन में उतारोगे, ऊपर जल ऊपर चले जाओगे, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मतपुण्य गाथा सवर्णो विधान तथा तथा, जैसा जैसा आत्मा परिमज्जन होते चले उतना ही आपका सूक्ष्म दर्शन का क्षमता अर्थात अप्राकृत जगत का क्षमता, टट्टी पेशाब वाला जो दर्शन है अभी है, अभी जो टट्टी पेशाब है रक्त मांस का दर्शन है, जहां जहां नेत्र परे तहां रक्त मांस स्फुरे, अभी का दर्शन क्या है बोले जहां जहां नेत्र परे, जहां जहां मेरा आंखें चलता है वहां टट्टी पेशाब और रक्त मांस लड़की लड़का ये सब दिखता है और कुछ नहीं। और जितना हरिकथा सुनते चलोगे अपराकित जगत का, ये फॉरेनर लोग बोल रहे हैं, तो इधर का आदमी का बोलने का हिम्मत ही नहीं है, एक एक चिट्ठी अगर ये लोग पढ़े शर्मिंदा होके घर में छुपेंगे, कितना कितना ये लोग का विश्वास है गुरु वैष्णव में, बोले जन्म जन्म का पहाड़ का मापिक, हिमालय का मापिक, हिमालय से भी बढ़ के लिखा है, काली चिट्ठी आया है, पहले बहुत चिट्ठी आते रहते, बोले हमारा जन्म जन्म का जितना सारे कलमश है, पहाड़ पहाड़ जितना सारे हमारा कचरा है, हृदय पवित्र होते चल रहा है कथा सुनते सुनते, इधर का अनभी हिम्मत ही नहीं है बोले अगर बोले कोई बोले, ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकता कोई है भी, ऐसा है तो यथा यथा आत्मा परिमिज्यतासो मत्पुण्य गाथा सवर्णो विधाने, जैसा जैसा हमारा कथा कीर्तन करते चले वास्तविक सोर्स, पोपा जी ने बोला एक्चुअल सोर्स कल चर्चा करेंगे शुरुआत में, एक्चुअल सोर्स इसमें क्या है, जैसा आत्मा निर्मल होते चले आपका भी दर्शन क्षमता, दर्शन का जो पावर है ये भी सूक्ष्म होते चलेगा, सूक्ष्म वस्तु दर्शन होने लग जाएगा। तो ये कनिष्ठ साधन के द्वारा, संयम के द्वारा, जितना सारे कामना कलुष है, व्यसन है, तमाम हटा देने से, तमाम हट जाने से, चित्त निर्मल होने का बाद ये जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये स्वयं उद्भासित होते हैं गुरु सेवा के द्वारा। ऐसा करके विचार करके हमने देखे हैं ठीक। और जो अज्ञ हैं, जिसका अज्ञ श्रद्धाहीन संशय संकुल व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, ध्यान देना ये विचार अपना जिंदगी में अप्लाइड फॉर्म में लाना है, ये विचार जो बताया हमने विचार करते रहे ये अपना जिंदगी में अप्लाइड फॉर्म में लाना चाहिए, नहीं तो दूसरा सुख देखने से होश उड़ जाएगा, अपना होश उड़ जाएगा। कैसा है, अज्ञश्च अश्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञ है अज्ञान है, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैत्य
अज्ञान क्या है, अज्ञ कौन है, अज्ञान तमेर नाम कहिए कत्य धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि यही सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैत्यव प्रधान जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतोध्यान। बस समझा मेरा बात, आई बात समझ में, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैत्यव, कैत्य माने चालाकी छल्ली बल्ली, अज्ञान करें तमेर नाम कहिए कैत्यव, कैत्यव का चार हिस्सा है पार्ट, धर्मो जनरल धर्मो जो स्वर्ग प्राप्ति करने के, धर्मो अर्थो, अर्थो क्यों नहीं काम भोग करे, धर्म अर्थो काम मुख्य, मुख्य का तो छोड़ ही दो, आ तीनों बच गया, तीनों में तो धर्म अर्थो काम है, धर्म तो चला ही गया और काम और मुख्य बचा, अर्थो और काम। और हिरण्यकशिपु जैसा असुर है, हिरण्यक्ष जैसा असुर है, ये लोगों का भी भोगने का रावण, ये लोगों का भी विचार किया जाए, ये तो बदमाश है ही है, लेकिन इन लोगों का भी भोगने का कुछ तरीका था, आज तो ये तरीका भी चला गया पूरा, पशु से भी नीचे चला गया आदमी, पशु से भी पूरा नीचे। अगर रावण भोग किया है, कुंभकर्णों आदि सब है ना, हिरण्यकशिपु सारे भोग किया है, लेकिन ये भोग करने का भी तरीका, ये भोग का भी कोई तरीका है नहीं, पशु से भी नीचे चलाए, कैसे भी हो भोग कर लो, कैसे भी हो खाओ पियो जियो, बस और कोई फॉर्मूला नहीं। तो ये अज्ञ है, अज्ञ का व्याख्या करके दिखाया ठाकुर जी के पास है, अज्ञ ये अज्ञ है जो तमाम जगत का जो धर्म स्वर्ग को जाए, ये करे भोग करे फलाना करे, ऐसा जो विचार है, धर्म और तो काम मुख्य, ये चार ही है, मुख्य तो छोड़ ही दो, अब तो कोई मुख्य का कोई एक कैंडिडेट भी मिलता नहीं, भक्ति तो दूर की बात, भक्ति भी है, भक्ति तो है ही नहीं, वो भी नहीं ये भी नहीं। अज्ञ अश्रद्धाहीन, श्रद्धाहीन में नहीं, उसका बेसिक कोई संशयाकुल व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, संशय आत्मा का इहलोक यह जगत और परलोक किसी जगह में इसका कोई स्थान नहीं है, सुख नहीं है, बेचैनी बेचैनी है। ये अज्ञश्च अश्रद्धाहीनश्च संशयात्मा विनश्वति, ध्यान रखना इस बात को, अगर हम भजन रास्ते में आए हैं, भक्ति रास्ता में, फिर भी हमारे गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम किसी विषय में अपरागित विषय संशय संदेह हो, वो संशय संदेह को समाधान करना चाहिए। अगर संशय का समाधान नहीं हो पाया तो ये यूं समझ लो कि फिर आना पड़ेगा, जगत में चक्कर कटना पड़ेगा। अज्ञश्च श्रद्धाहीनश्च संशयात्मा विनस्पति, और इसमें बताया ठाकुर जी, न अयम लोको अस्ति न परो, ये लोक नहीं है परलोक भी नहीं है, न सुखम सक्षय, इसका बस सुख तो कहाँ का बात है, सुख तो कोई मजा का बात है कि मजे का बात है, कुछ नहीं। तो ये जो विषय है, लोगों को अनुभव में नहीं आता, जब विषय का आनंद से कुछ ऊंचा आनंद है, विषय आनंद तो ऐसा भोग लिया आपने सब, विषय आनंद भोगने के बाद भी उसका अभी भी डिटैचमेंट नहीं आ रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन विषय आनंद का पीछे एक विमल आनंद, एक अप्राकृत आनंद का जगत है, इसका बारे में किसको जानकारी है ही नहीं, अगर है तो ये तो, अगर है, अगर बोले तो है हमारा पता है, तो ये पता भी पक्का पता नहीं, क्योंकि अगर किसी चीजों में हमारा लोभ हो, हमको जाना चाहिए, हमारा टारगेट है, तो हम तो चलते रहेंगे, तो हम चल नहीं रहे, किस लिए, हमको पता ही नहीं है हमको क्या मिलना है, भक्ति जगत में आया है हमको क्या मिलना, क्या मिले, ये भावना नहीं है। तो विषय आनंद से भी एक पड़ा पड़ा आनंद,
विषयानंद से भी एक परानंद अप्राकृत परानंद है। ये उर्दो ये जो ऊंचा विषय है इसका बारे में किसी को पता नहीं, और ये तो पता नहीं ठीक है लेकिन फिर भी उल्टा विचार हो रहा है। ये विषय में उसका श्रद्धा ही नहीं है, दिन पे दिन साधु गुरु वैष्णव मठवास सबका ऊपर ये नो इसको करवा लगता है। यार बेकार बेकार बेकार, श्रद्धाहीन दृढ़ विश्वास नहीं इसका, अगर ऐसा नहीं है तो हमको ऊंचा 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 भूमि में कौन ले जाएगा। ये जो भूर भुव स्व महो जनो तपो, ये जो ऊंचा ऊंचा भूमि में जाने का चक्कर है कौन ले जाता है। ये तो मेरा दृढ़ विश्वास भजन दृढ़ विश्वास ले जाता है। ऊर्ध्व जीवन है ना, लाभ करने का कोई चेष्टा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। तो किंतु ये जो ऐसा अगर है तो कैसे जाए। जे लोगों का चित्त अर्थात जे लोगों का अंतकरण जो है, ये अगर अंतकरण हर वक्त संशय में ऑसिलेटिंग कंडीशन दद्दुल्यमान अवस्था, समझा मेरा एक शब्द में शेष कर दे, जिनके हृदय में संशय का एकदम चल रहा है, संशय का ढेव चल रहा है, लहर चल रहा है, मतलब इसका जिंदगी में कोई टारगेट है नहीं। संशयात्मा व्यक्ति का टारगेट नहीं, बहुत सारे काबिल आदमी देखा है, बहुत कुछ जानता है कि टारगेट नहीं, आत्मविश्वास नहीं, बस जिंदगी में खत्म। बहुत सारे देखे, बहुत कमियां हुई अच्छा लड़के लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आत्मविश्वास का कमी है, आत्मशक्ति से विश्वास नहीं, और इच्छा शक्ति आत्मशक्ति में विश्वास नहीं, मतलब विल पावर नहीं है इच्छा शक्ति। एक एक संत महात्मा का देखा विल पावर इतना है, बोलने से ही वो हो जाता है, कुछ नहीं है बोलने से हो जाता है, बस विल पावर, भगवान का सेवा करेंगे। ये जीवन में ऐसा संशयात्मा व्यक्ति का जीवन जिंदगी में हर पल पल में बाधाएं आते रहते, बेचैनी और बाधा, और इसका असफलता इसका कामयाबी नहीं मिलता, असफलता मिलते रहते हैं, और संशयात्मा विनस्वति पतति अधा अधा, संशयात्मा विनस्वति, ये व्यक्ति का परकाल यह काल कुछ करते नहीं है ना, आत्मविश्वास नहीं तो कैसे जाए, कर्म के द्वारा ऊपर जाए, भक्ति तो है ही नहीं, भक्ति का वास्ता तो छोड़ो, तो ऊपर जाने वाला तो एक ही है, जैसा करना ऐसा भरना, वो कोई कर नहीं सकता, तो संशय आत्मा पीछे चले जाते, पतति अधर अधर, संशय आत्मा विनाशवती, ये बात पक्का है, इसमें विश्वास विचार करके देखना। कोई अगर इसमें कोई संशय संदेह आए कि महाराज इसमें कोई क्वेश्चन है, ये भी चर्चा करनी चाहिए। जदिच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानादिजत परम पदम तद आदरेण राजेन्द्र कुरु गोविंदो संकीर्तनम वांछा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु भविष्य पतितानं पावन भविष्णभ्यो नमो।